सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का इस वीडियो में मैं सैमसंग की तरफ से आने वाला टॉप 4 स्मार्टफोन ले आऊँ दोस्तों, जो कि अंडर 20,000 का बजट रेंज में आपको मिल जाएगा दोस्तों। अप टू 10,000 10,000 से ज़्यादा का है सारा फ़ोन, और 20,000 के अंडर का है। तो 10 से 20,000 के बीच का अगर आपको नॉन चाइनीज फ़ोन सैमसंग का चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इन फोन में आपको 5GB फोन है दोस्तों इस बजट रेंज में, बाकी 6000 mAh तक का बैटरी वाला, बाकी सुपर एमोलेड का डिस्प्ले वाला, हाई रिफ्रेश रेट वाला स्मार्टफोन है, बाकी एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन भी दोस्तों, बाकी 4K रिकॉर्डिंग वाला भी कैमरा फोन दिया हुआ है। तो ये 4 फोन है, 4 में से कुछ ऑलराउंडर है, कुछ तगड़ा गेमिंग के लिए है और कुछ कैमरा फोन के लिए है। लगभग फोन ऑलराउंडर ही है दोस्तों, गेमिंग के लिए अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छा, सारा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से आपको बताते हैं कि वो 4 स्मार्टफोन कौन है। और उससे पहले बता दूं दोस्तों, मैं किसी भी फ़ोन को रैंकिंग नहीं किया हूं, तो सब अपने प्राइस के बेस पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और एक और बात बता दूं दोस्तों कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो चलिए करते हैं टॉप 4 नंबर के स्मार्टफोन की बात। तो टॉप 4 पे जो है वो सैमसंग का आईफोन है, सैमसंग गैलेक्सी F22। इसका भी अगर हम फीचर्स की बात कर लेते हैं, बेसिक फीचर्स की, तो ये स्मार्टफोन फुली पॉलीकार्बोनेट का बॉडी के साथ आता है, आई मीन प्लास्टिक का बॉडी मिल जाएगा और प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा और सिंगल बॉटम स्पीकर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 पे रन करता है। बाकी इसका अगर मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं तो 6.4 इंच का HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा सुपर एमोलेड का, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बाकी सेंसर में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस फोन का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है दोस्तों। और इसका अगर कैमरा की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा रियर साइड में, जिसमें से 48MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा, और 2MP का मैक्रो फोटो देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो बैक कैमरा से आप फुल HD में 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p पे। तो कैमरा तो काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है रियर साइड का। बाकी फ्रंट कैमरा इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा फ्रंट कैमरा दोस्तों, और फ्रंट कैमरा से भी आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ओवरऑल इसका फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है। तो चलिए बढ़ते इसका हम प्रोसेसर की ओर। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला चिपसेट लगा हुआ दोस्तों, जिससे आप नॉर्मल लेवल का तो इजीली गेम खेल ही सकते हो, बाकी थोड़ा बहुत हाई लेवल का भी गेम खेल सकते हो दोस्तों। तो इसमें लगा हुआ है मीडियाटेक का हीलियो G80 का प्रोसेसर दोस्तों, तो जिससे आप नॉर्मल गेम वगैरह खेल सकते हो। बाकी अगर इसका हम बैटरी की बात कर लेते हैं तो 6000 mAh का बैटरी मिल जाएगा, उसके साथ साथ 15W फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ओवरऑल ये स्मार्टफोन डेली यूजर्स के लिए काफ़ी बेस्ट है। कंटेंट वाचिंग के लिए अगर आप एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो सैमसंग का नॉन चाइनीज फोन अंडर 13,000 का, कंटेंट वाचिंग के लिए या फिर गेमिंग वगैरह के लिए, अच्छा कैमरा वगैरह के लिए, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा दोस्तों। ये स्मार्टफोन का बेस वारंट 4+64 आपको 12999 की प्राइस रेंज में मिल जाएगी, 1000 रुपये आपको बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो बाकी इस फोन में अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते अगले स्मार्टफोन की तरफ। तो अगला स्मार्टफोन जिसका बजट रेंज 11,000 था, वो उसके लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है दोस्तों। तो ये स्मार्टफोन है दोस्तों सैमसंग का ही, सैमसंग गैलेक्सी F13। इसका भी अगर बेसिक फीचर्स की बात कर लेते तो ये भी स्मार्टफोन फुली पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, आई मीन प्लास्टिक का बॉडी और प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको सिंगल बॉटम स्पीकर देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी अगर इसका हम मेन फीचर्स की बात कर लेते तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और 60Hz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, उसके साथ साथ इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो डिस्प्ले में आपको कोई डाउट नहीं है, अंडर 10,000 का ये स्मार्टफोन तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है दोस्तों 11,000 का। तो 11,000 के हिसाब से, इस बजट के हिसाब से ये डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है दोस्तों। बाकी अगर इसका हम कैमरा की बात कर लेते तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें से 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा और 5MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो फोटो देखने को मिल जाएगा दोस्तों।
बाकी आप बैक कैमरा से 1080p पे 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और सेल्फी में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी अगर इसका हम प्रोसेसर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको सैमसंग का ही प्रोसेसर देखने को मिलेगा, एक्यूनस 850 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि 8 नैनोमीटर पे बना हुआ है दोस्तों। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और बैटरी की बात कर लेते हैं तो इसमें भी आपको 6000 mAh का बैटरी मिल जाएगा 15W फास्ट चार्जर के साथ। बाकी अगर इसका हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसका बेस वेरिएंट 4+64 आपको 10999 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा दोस्तों, से लेकर के 500 से लेकर के 1000 आपको बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। तो ये स्मार्टफोन उसके लिए जो कंटेंट वॉचिंग वगैरह के लिए ले रहे हैं, ज़्यादा टाइम तक बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा क्योंकि 6000 mAh का बैटरी का और अंडर 11000 में ये स्मार्टफोन इजीली मिल जाएगा दोस्तों। तो 11000 का अंडर का अगर आप एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हो कंटेंट वॉचिंग के लिए और एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन, तो ये फ़ोन को आप परचेज कर सकते हो। बाकी बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ। तो अगला जो है टॉप 2 पे स्मार्टफोन दोस्तों वो है सैमसंग की तरफ से ही सैमसंग गैलेक्सी M32। इसका भी अगर हम बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं तो ये भी फ़ोन फुली पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है दोस्तों। मिन प्लास्टिक का बॉडी और प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाएगा, सिंगल बॉटम स्पीकर देखने को मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ 3.5mm का जैक भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ओवरऑल ये भी स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है। बाकी इसका भी अगर मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 6.4 इंच का फुल HD+ का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है दोस्तों। तो इसका जो बेस वेरिएंट है दोस्तों वो आपको 13500 में मिल जाएगा दोस्तों। बाकी इसका अगर कैमरा की बात कर लेते हैं तो इसमें भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें से 64MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो मिल जाएगा, मैक्रो फोटो और 2MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ओवरऑल इस फ़ोन का कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है क्योंकि आप बैक कैमरा से 1080p पे 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो दोस्तों और 20MP का इसमें आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी अगर इसका हम बैटरी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 16000 mAh का बैटरी मिल जाएगा और 15W फास्ट चार्जर के साथ ये स्मार्टफोन आता है दोस्तों। तो ओवरऑल जिसको एक अच्छा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए और अच्छा प्रोसेसर चाहिए, उसके साथ साथ अच्छा कैमरा चाहिए, तो उसके लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है दोस्तों। और इसमें आपको प्रोसेसर भी तगड़ा मिलता है जो कि मीडियाटेक का हीलियो G80 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और 12nm पर ये चिपसेट बना हुआ है। ओवरऑल ये स्मार्टफोन फुल्ली कंटेंट वॉचिंग के लिए है। बाकी कैमरा भी इसमें आपको 64MP का देखने को मिलता है, तो वीडियोग्राफी वगैरह भी आप अच्छी तरीके से इस स्मार्टफोन से आप कर सकते हो दोस्तों। तो इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है दोस्तों 4+64 वो आपको 13500 की बजट रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका बजट अगर 13500 है तो ये स्मार्टफोन आप इजीली परचेज कर सकते हो दोस्तों, बजट रेंज स्मार्टफोन है। बाकी इसमें सारा कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी अगर ये स्मार्टफोन आप परचेज़ करोगे और कोई डाउट रह जाएगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा दोस्तों। बाकी अगर टॉप फोन के स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं जिसका बजट रेंज 15000 है, ये स्मार्टफोन उसके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है टॉप फोन का स्मार्टफोन क्योंकि इसका बेस वेरियंट आपको 15000 में ही मिलेगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं इसका भी हम बेसिक फीचर्स की बात। तो ये भी स्मार्टफोन फुली पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है दोस्तों, इन प्लास्टिक का बॉडी और प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाएगा और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पे रन करता है ये स्मार्टफोन। 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा, सिंगल बॉटम स्पीकर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। फीचर्स तो अच्छे अच्छे। बाकी अगर इस फोन की मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें आप 6.6 इंच का फुल HD+TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि LCD टाइप का ही डिस्प्ले है। बाकी 120Hz का इसमें आपको फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, उसके बाद गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन का डिस्प्ले तो काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है। बाकी अगर इसका हम प्रोसेसर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको और सारा जितना भी स्मार्टफोन बताया हूँ दोस्तों सबसे तगड़ा वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि 8nm पे बना हुआ है दोस्तों। बाकी ये एक 5G स्मार्टफोन है तो इसमें आपको 12 5G बैंड्स का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन तो गेमिंग के लिए टॉप नॉच है, उसके साथ साथ इसमें आपको डिस्प्ले भी तगड़ा मिलता है, 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है, तो गेमिंग इसमें आप हाई लेवल पर कर पाओगे दोस्तों। बाकी अगर इसका
हम कैमरा की बात कर लेते तो ये स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आता। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो फोटो देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और आप बैक कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे। बाकी 8 मेगापिक्सल का इसमें आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बैटरी की बात कर लेते हैं तो 5000 mAh का बैटरी मिल जाएगा और 25 वाट को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है दोस्तों। इनबॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको बाहर से चार्जर वगैरह परचेज करना होगा। बाकी इसका बेस वेरिएंट 4+128 आपको 15,000 में मिल जाएगा दोस्तों। तो ये स्मार्टफोन उसके लिए है दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी F23 5G, जिसको एक अच्छा 5G स्मार्टफोन चाहिए, अच्छा डिस्प्ले वाला चाहिए, गेमिंग के लिए अच्छा चाहिए, कैमरा भी ठीक ठाक चाहिए। अगर सैमसंग का स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं अच्छा, तो वो ये स्मार्टफोन F33 5G परचेज कर सकते हैं। बाकी जिसका बजट रेंज 13,500 है, 13,000 लगभग, वो सैमसंग का M32 4G आप परचेज कर सकते हो। उसमें भी आपको अच्छा कैमरा, अच्छा प्रोसेसर वगैरह देखने को मिल जाता है दोस्तों। बाकी इन चारों स्मार्टफोन में आपको जिस भी स्मार्टफोन में कोई डाउट रह गया या फिर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो दोस्तों। बाकी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।